जनपद अल्मोड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी ने आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव की होने वाली मतगणना व्यवस्थाओं का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इसी दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने फलसीमा स्थित आईटीआई परिसर पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखते हुए नोडल अधिकारियों को समय से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मतगणना टेबल, पिछली व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और आवश्यक उपकरण स्थापित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं के मोबाइल फोन रखने, उपस्थित सुरक्षा संबंधी कार्यों को भी समय से व्यवस्थित कर लिया जाए। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। सारी व्यवस्था है, सिक्योरिटी पूरी नियर सिक्योरिटी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें आईटीबीपी बीएसटी और पुलिस वालों के द्वारा की जाएगी। और जो हमारा पैरामीटर है, जो अंदर आगे रहेगा, उसमें किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन अलाउ नहीं होगा, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं होगा, जो भी हमारी ऐसी चीज़ें प्रतिबंधित है, ऐसी कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होगी। और हर टेबल पर एक काउंटिंग एजेंट की व्यवस्था है, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को निर्भर कराया गया, कैंडिडेट्स को निर्भर करा दिया गया। जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ से जो हमारे स्टाफ हैं, काउंटिंग स्टाफ रहेगा, एआरओ स्टाफ रहेगा, उनके लिए आने का रास्ता अलग रहेगा। और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जो एजेंट हैं, उनके लिए आने का रास्ता अलग रहेगा। तो पूरी व्यवस्था इस प्रकार से चलेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।